नमस्कार दोस्तों, आज हमारे चैनल टी वॉच एजुकेशन पर आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने फेल होने के बाद शौक को ही अपना कैरियर बनाया और महज 21 साल की उम्र में CEO बने। इनका नाम त्रिसनित अरोरा है। साइबर सिक्योरिटी कंपनी TAC के CEO हैं। दुबई और UK में इनकी कंपनियां के वर्चुअल ऑफिस हैं। दुनिया भर में 50 फॉर्च्यून और 500 कंपनियां क्लाइंट हैं। लुधियाना, पंजाब। कंप्यूटर में गहरी दिलचस्पी, इस वजह से पढ़ाई के दौरान एग्ज़ाम में फेल भी हो गए। घर वालों ने नाराज़गी जताई, लेकिन इस लड़की की जिद अलग थी, कुछ नया करने की, अपने मन की करना उन्होंने कर दिखाया। तभी तो महज 22 साल की उम्र में त्रिसनित अरोड़ा नाम का ये लड़का आज करोड़ों का कारोबार करते हैं। ऐसा बिजनेस जिसे आम तौर पर लोग नहीं जानते। क्या करते हैं त्रिसनित, कैसे खड़ा किया करोड़ों का कारोबार? त्रिसनित एथिकल हैकर हैं। एथिकल हैकर हैकिंग में नेटवर्क या सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी एवेल्युएट की जाती है। सर्टिफाइड हैकर्स इसकी निगरानी करते हैं ताकि कोई नेटवर्क या सिस्टम कंप्यूटर की सिक्योरिटी तोड़कर कॉन्फिडेंशियल चीज़ें ना उड़ा सके और ना ही वायरस या दूसरे मीडियम्स के जरिए कोई नुकसान पहुंच सके। मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए लुधियाना के त्रिसनित अरोड़ा का बचपन से ही पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उनकी कंप्यूटर में इतनी रुचि थी कि वे सारा वक्त इसी में चला जाता था। बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए उनके पास समय नहीं होता था। वे बताते हैं कि 8वीं में पढ़ता था उस वक्त की कंप्यूटर और एथिकल हैकिंग में मेरी दिलचस्पी थी। पेरेंट्स को उनका काम पसंद नहीं था। कंप्यूटर में इतना मंग हो गया कि पढ़ाई नहीं की, दो पेपर नहीं दिए और फेल हो गया। मम्मी पापा ने खूब डांटा, दोस्त और परिवार के लोगों ने मजाक उड़ाते, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। फेल होने के बाद रेगुलर पढ़ाई छोड़ दी और आगे 12वीं तक की पढ़ाई उन्होंने कॉरपोरेट से की। इसके साथ साथ वे कंप्यूटर और हैकिंग के बारे में लगातार नई जानकारियां भी इकट्ठा करते रहे। उनकी हाउस वाइफ और माँ अकाउंटेंट पिता इस काम को पसंद नहीं करते थे, लेकिन त्रिसनित कंप्यूटर में अपने शौक को ही करियर बनाना का फैसला कर चुके थे। शुरुआत में उनकी बातें सुनकर लोग मुस्करा देते थे, मीडिया भी गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन फिर वह अपने काम के जरिए साबित करते कि मैंने विभिन्न कंपनियों का डाटा चुराया जा रहा है और इन दिनों हैकिंग के क्या तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। धीरे धीरे उनके काम को मान्यता मिलने लगी, कंपनियां उनके काम को सराहने लगीं। CVI से लेकर रिलायंस इंडस्ट्री भी इनकी क्लाइंट। एक साल पहले जब इनकी उम्र 21 वर्ष थी, उन्होंने TAC सिक्योरिटी नाम की साइबर सिक्योरिटी कंपनी बनाई। त्रिसनित अब रिलायंस, CVI, पंजाब पुलिस, गुजरात पुलिस, अमूल और एवन साइकिल जैसी कंपनियों को साइबर से जुड़ी सर्विसेज दे रहे हैं। वे हैकिंग टॉक विद त्रिसनित अरोड़ा, दी हैकिंग एरा और हैकिंग विद स्मार्टफोन्स जैसी किताबें लिख चुके हैं। दुबई UK में वर्चुअल ऑफिस ऐसे मिली ट्रेनिंग। दुबई और UK में कंपनियों का वर्चुअल ऑफिस है। करीब 40% क्लाइंट्स इन्हीं ऑफिस से डील करते हैं। दुनिया भर में 50 फॉर्च्यून और 500 कंपनियां क्लाइंट हैं। सेल्फ स्टडी और पिता के साथ एक्सपेरिमेंट से तैयार हुए YouTube के वीडियो से भी हेल्प मिली। इन्होंने नॉर्थ इंडिया की पहली साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम सेटअप किया। 2000 करोड़ के टर्नओवर पर नज़र। अब त्रिसनित की नज़र कंपनी के बिजनेस को US ले जाने की है। इन्होंने इसी साल जनवरी में दिए एक अलग इंटरव्यू में कहा था कि वे कंपनी का टर्नओवर बढ़ाकर इसे 2000 करोड़ तक ले जाना चाहते हैं। फैशन के आगे पढ़ाई मायने नहीं रखती। त्रिसनित का कहना है कि वे फैशन फेल होने के बाद उन्हें ये समझ में नहीं आया कि फैशन के आगे पढ़ाई मायने नहीं रखती। फिलहाल वह अपने काम में व्यस्त हैं और BCA कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
भविष्य में वक्त मिलने पर मैनेजमेंट के साथ ग्रेजुएशन करना चाहेंगे। हालांकि वह डिग्री या फॉर्मूला एजुकेशन को कामयाबी या जीवन यापन के लिए जरूरी नहीं मानते। वह कहते हैं कि स्कूली पढ़ाई को उतना नहीं महत्व दीजिए जितना जरूरी है। वे जीवन का हिस्सा हैं लेकिन पूरा जीवन नहीं। वे कहते हैं कि असफलताओं से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि असफलताएं ही आगे बढ़ने का रास्ता बताती हैं और आपको अपने मजबूत पक्ष का बेहतर पता चलता है। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।